हाय एवरीवन, वेलकम टू किचन फार्मूला। किचन फार्मूला में आज हम मैगी पकोड़ा बनाएंगे। अगर आपको ये रेसिपी पसंद आए तो नीचे लाइक के बटन पे क्लिक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना भी ना भूलें। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले मैगी और टेस्ट मेकर का एक सैशे पैक लिया है। बेसन लिया है 2 टेबल स्पून। बारीक कटा हुआ फ्रेंच बीन्स लिया है 1.5 टेबल स्पून। 1/4 कप ग्रेटेड गाजर लिया है। 2 हरी मिर्च को बारीक काट लिया है। ग्रेटेड पत्ता को भी लिया है 1 टेबल स्पून। बारीक कटा हुआ धनिया पत्ता लिया है 1 टेबल स्पून। ग्रेटेड प्याज लिया है 1 टेबल स्पून। हल्दी पाउडर लिया है 1/4 छोटी चम्मच। नमक लिया है स्वाद अनुसार। धनिया पाउडर लिया है 1/2 छोटी चम्मच। गरम मसाला लिया है 1/3 छोटी चम्मच। और पकौड़ा तलने के लिए रिफाइंड ऑयल लिया है। सबसे पहले हम मैगी को एक पैन में ले लेंगे। उसमें थोड़ा सा पानी ऐड करेंगे और इसे थोड़ा सा बॉयल कर लेंगे। ये हो गया है, अब इसे हम स्ट्रेन कर लेंगे। अब हम एक मिक्सिंग बाउल में सारे वेजीज एंड स्पाइसेस को ले लेंगे। अच्छे से मिला लेंगे। अब मैगी ऐड करके अच्छे से मिक्स करेंगे। अब बेसन ऐड करेंगे और फिर से इसे अच्छे से मिला लेंगे। मिक्सचर रेडी है। अब इस मिक्सचर में से थोड़ा थोड़ा लेके इस तरह से बॉल के शेप में हम पकौड़ा बना सकते हैं, या फिर थोड़ा फ्लैट चाहे तो फ्लैट भी बना सकते हैं। अब एक कढ़ाई में तेल गरम करेंगे। तेल अच्छे से गरम हो जाए उसके बाद हम पकौड़े को फ्राई करेंगे। पकौड़े को हमें लो टू मीडियम फ्लेम में फ्राई करना है। नीचे का साइड गोल्डन ब्राउन हो जाए फिर हम इसे पलट देंगे और इसे चारों तरफ से इवनली गोल्डन ब्राउन करके हमें फ्राई करना है। ये हो गया है, इसे हम किचन टॉवल में निकाल लेंगे। इस गर्मा गर्म मैगी पकौड़े को आप सिंपली टोमेटो केचप के साथ सर्व कर सकते हैं। ट्रस्ट मी, ये खाने में बहुत ही टेस्टी होता है। घर पे इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई करें और अपना एक्सपीरियंस मेरे साथ शेयर करें। थैंक यू।